Hello everyone, in this video you will do some important previous year questions of SQL that can come in 4 marks and 5 marks. So let us start with the first question. Preeti manages database in a blockchain startup. प्रीति एक डेटाबेस मैनेज करती है ब्लॉकचेन स्टार्टअप में. ओके, फॉर बिजनेस पर्पस शी क्रिएटेड अ टेबल नेम ब्लॉकचेन. उसने एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नेम क्या है, ब्लॉकचेन. असिस्ट हर बाय राइटिंग द फॉलोइंग क्वेरीज. अब आपको क्वेरीज के आंसर देने हैं. फाइन, हियर वी हैव द टेबल. हमारे पास टेबल है जिसका नेम है ब्लॉकचेन, राइट. उसमें आपका आईडी कॉलम है, यूजर वैल्यू हैश एंड ट्रांजैक्शन डेट. ओके, दीज आर द कॉलम्स. अब हमारी फर्स्ट क्वेरी क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द ईयर. आपको ईयर निकालना है ऑफ ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन. सबसे ओल्डेस्ट जो ट्रांजैक्शन हो उसका आपको ईयर निकालना है. फाइन, तो सबसे पहले तो हम ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन निकालेंगे. तो आपने किया सिलेक्ट, राइट. ओके, अब देखो ईयर से पहले आपने मिन फंक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन डेट को पास किया है. जब आपने मिन फंक्शन के अंदर ट्रांजैक्शन डेट को पास किया है तो सबसे मिनिमम, देखो यहाँ पे मिन में क्या है, सबसे मिनिमम वाली डेट आ जाएगी, राइट. सबसे मिनिमम वाली डेट मतलब सबसे पीछे वाली डेट आ जाएगी. ओके, यहाँ पे मिनिमम का मतलब क्या है, जो सबसे ओल्ड वाली डेट होगी, सबसे पीछे वाली डेट होगी वो आ जाएगी. अब उस डेट में से हमें क्या निकालना है, हमने ईयर निकालना है. तो हमने इसको अगेन किससे एनक्लोज कर दिया, ईयर फंक्शन में इसको पास कर दिया है. अब ये ध्यान रखना है, देखो मिन फंक्शन के अंदर आपने ट्रांजेक्शन डेट डाली, उससे आपकी ओल्डेस्ट डेट आ गई, राइट. लेकिन आपको ओल्डेस्ट ईयर निकालना है तो आपने अगेन उसको ईयर फंक्शन के अंदर पास कर दिया, राइट, फ्रॉम ब्लॉकचेन. यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या है, टेबल का नेम है. तो क्वेरी को बहुत अच्छे से पढ़ के समझना है कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, राइट. नाउ वी हैव द सेकंड क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द मंथ ऑफ मोस्ट रीसेंट ट्रांजेक्शन. अब मोस्ट रीसेंट के लिए आपको क्या चाहिए, जो अभी की डेट हो, राइट. और अभी की डेट कहाँ, मतलब जो मोस्ट रीसेंट डेट हो वो कैसे आएगी, वो मैक्स फंक्शन से आएगी. तो आपने क्या कमांड दिया, सिलेक्ट, राइट. मैक्स फंक्शन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन डेट को पास कर दिया, इससे आपकी रीसेंट डेट आ जाएगी, सबसे बड़ी वाली डेट आ जाएगी. ओके, और आपने अगेन मैक्स फंक्शन को एनक्लोज कर दिया है मंथ फंक्शन से. तो क्या होगा, जो भी डेट निकल के आएगी उसमें से मंथ निकल के आ जाएगा, राइट, फ्रॉम ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन आपकी टेबल का नेम है. ओके, now next query, write a query to display all the transaction done in the month of May. आपको बताना है कि May month में कितनी queries हुई हैं, right? इसके लिए आपको command लिखनी है, query लिखनी है. okay? तो आपने क्या दिया, select star from blockchain. star से क्या होगा, जितनी भी records हैं जो condition को follow करते हैं, मतलब जो condition के according कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सारे रिकॉर्ड्स इसमें आ जाएंगे. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉकचेन वेयर मंथ नेम. अब देखो मंथ नेम में आपने ट्रांजैक्शन डेट को पास किया है तो क्या होगा, इस जितनी भी डेट्स हैं उनके मंथ नेम्स निकल के आ जाएंगे. ओके, और आपने क्या किया है, वेयर मंथ नेम, राइट. मंथ नेम फंक्शन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन डेट दी है इक्वल्स टू मे, राइट. तो जहाँ पे भी मंथ नेम में निकल के आएगा वो वाला जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, नाउ राइट अ क्वेरी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन द ईयर 2022. आपको क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हुए, जो 2022 ईयर के अंदर हुए. ओके, तो आपकी यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट काउंट. काउंट स्टार भी दे सकते थे, यहाँ पे आपने काउंट आईडी दे दी है, काउंट स्टार या काउंट आईडी फ्रॉम ब्लॉकचेन वेयर. ठीक है, अब कंडीशन लगाई है वेयर ईयर. ईयर फंक्शन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर डेट कॉलम को दे दिया, जिससे जितनी भी डेट्स हैं उनके ईयर निकल के आ जाएंगे. और आपने आगे क्या कंडीशन लगा दी है, वेयर ईयर इक्वल्स टू 2022. ओके, अंडरस्टूड. या आप यहाँ पे काउंट स्टार भी लिख सकते थे. काउंट स्टार से क्या होता है, जितनी भी रोज होती जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ईयर, ओके, ट्रांजैक्शन डेट अंडरस्कोर, सॉरी ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू 2022, राइट. तो वो सारी रिकॉर्ड्स वो सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर आ जाते हैं. फाइन, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रेया, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ डिज़ाइंड अ डेटाबेस फॉर अ क्लॉथिंग शॉप, राइट. तो यहाँ पे श्रेया ने एक डेटाबेस को डिज़ाइन किया है. हेल्प हर बाय राइटिंग आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन टेबल. तो आपके पास यहाँ पे टेबल है,
जिसके अंदर कॉलम्स हैं, आपका सी कोड है, मतलब क्लोथ का आपका कोड है, सी नेम क्लोथ का नेम है, साइज है, कलर है, प्राइस है, ओके एंड डीओपी, राइट। नाउ राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द क्लोथ नेम इन लोअर केस, आपको क्लोथ के नेम लोअर केस में देने हैं। अभी यहाँ पे टेबल में अपर केस में है तो सिंपल आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट लोअर, लोअर फंक्शन के अंदर आप इस कॉलम नेम को पास कर दोगे सी नेम फ्रॉम क्लोथ, क्लोथ क्या है आपके टेबल का नेम, राइट। तो इससे क्या होगा, ये कॉलम के जो सी नेम कॉलम है उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगी, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ओके। नाउ नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द लोएस्ट प्राइस ऑफ द क्लोज, आपको प्राइस कॉलम में से लोएस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे, सिलेक्ट मिन, और मिन फंक्शन में आप प्राइस कॉलम को पास करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम क्लोथ, क्लोथ क्या है आपका टेबल का नेम, ओके। नाउ नेक्स्ट, राइट अ क्वेरी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ क्लोज परचेज्ड ऑफ मीडियम साइज, आपको बताने हैं कि मीडियम साइज के टोटल नंबर ऑफ क्लोज कितने परचेज हुए हैं, राइट। तो इसमें आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द साइज, क्योंकि यहाँ पे देखो मीडियम साइज दो बार आया है, फाइन। तो यहाँ पे आप ग्रुप बाय क्लोज का यूज करोगे, आप देखो सिलेक्ट काउंट स्टार, काउंट स्टार से जितनी भी रोज हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं वो आ जाएंगी, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लोथ, क्लोथ आपका टेबल का नेम है, ग्रुप बाय साइज, अब साइज के अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग करोगे, ओके। तो मीडियम मीडियम ए ग्रुप में आ जाएंगे, आपका एक्सएल ए ग्रुप में आ जाएगा, एल ए ग्रुप में आ जाएगा, वैसे यहाँ पे डबल डबल दिया नहीं हुआ है, सिर्फ मीडियम दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीडियम मीडियम ए ग्रुप में आ जाएगा, ओके। फिर आपने कंडीशन दे दी है हैविंग साइज इक्वल टू मीडियम, फाइन। तो जब पहले साइज की ग्रुपिंग होगी और साइज की ग्रुपिंग होने के बाद प्राइस की भी ग्रुपिंग हो जाएगी, फाइन, ओके। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाउ जो आपकी जो क्वेरी दी हुई है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्लोज परचेज, मतलब कितने मीडियम साइज के कितने क्लोज परचेज हुए हैं वो काउंट होके आ जाएंगे, फाइन। नाउ राइट अ क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज, ईयर वाइज देखो ईयर वाइज करना है आपको, यहाँ पे आपको डेट ऑफ परचेज में से पहले ईयर निकालना है, ठीक है, ईयर वाइज, ओके, ग्रुपिंग करनी है ईयर वाइज, ओके, टोटल नंबर ऑफ क्लोज परचेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, डेट ऑफ परचेज में से ईयर निकालने के लिए आपने ईयर फंक्शन के अंदर डेट ऑफ परचेज को डाला है, फिर काउंट स्टार से आप काउंट कर लोगे फ्रॉम क्लोथ, और ग्रुपिंग भी ईयर आपको डेट ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग ही करनी है, ओके। तो ग्रुप बाय ईयर, राइट, और ईयर में से आपने क्या, ईयर में आपने क्या पास किया, डेट ऑफ परचेज, समझ आया। फिर से देखो, राइट अ क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लोज परचेज, आपको एक क्वेरी लिखनी है, ओके, जिसमें क्या काउंट करना है ईयर वाइज, ईयर के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ क्लोज कितने परचेज हुए हैं। तो हमें यहाँ पे ईयर वाइज ग्रुपिंग करनी है, राइट, और डेट में से ईयर निकालने के लिए हम ईयर फंक्शन का यूज करेंगे, और ग्रुपिंग करने के लिए हम ग्रुप वाइज फंक्शन का यूज करेंगे। तो आपने क्या किया, सिलेक्ट ईयर, सबसे पहले ईयर निकाला, ओके, कैसे निकाला, आपने ईयर फंक्शन के अंदर डेट ऑफ परचेज को पास कर दिया, काउंट स्टार, काउंट स्टार से काउंट हो जाएगा ईयर वाइज नंबर ऑफ क्लोज परचेज, ओके, काउंट स्टार फ्रॉम क्लोज, क्लोज आपका टेबल का नेम है, ग्रुप बाय, अब ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, ईयर के अकॉर्डिंग ही करना है, ग्रुप बाय ईयर, और ईयर कैसे निकलेगा, जब आप ईयर फंक्शन के अंदर आप डेट ऑफ परचेज कॉलम को पास करोगे, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल नेम स्टॉक, आपके पास एक टेबल है स्टॉक नेम से, राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, आपको क्वेरीज लिखनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, ओके। टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, आपको रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं, राइट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, जहाँ पे प्राइस किस फॉर्म में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, राइट। तो यहाँ पे आप ऑर्डर बाय का, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करोगे, ठीक है। तो आपने क्या कमांड दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक, ओके, ऑर्डर बाय प्राइस, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आपने कीवर्ड लगाया है डी ई एस सी। अगर आप सिर्फ लिख दोगे ऑर्डर बाय प्राइस तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा पूरी टेबल को, राइट, अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, ओके। बट यहाँ पे अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप डी ई एस सी कीवर्ड लगाएंगे, ओके। नाउ टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज ऑफ
प्रोडक्ट, आपको कैटेगरी को डिस्प्ले करना है एंड कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज मतलब आपको ग्रुपिंग करनी है कैटेगरी वाइज, टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, टोटल क्वांटिटीज बतानी है प्रोडक्ट की. ओके, पहले ग्रुपिंग करनी है कैटेगरीज की, फिर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी टोटल क्वांटिटी. ओके, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, सिलेक्ट कैटेगरी, राइट, टू डिस्प्ले कैटेगरी आया है, सिलेक्ट कैटेगरी, राइट. अब सम ऑफ क्वांटिटी करेंगे फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक आपका टेबल का नेम है, ग्रुप बाय कैटेगरी. ठीक है, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, डिस्प्ले कैटेगरी, तो हमने सबसे पहले कैटेगरी को डिस्प्ले करा दिया. एंड कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज का मतलब कैटेगरी को आप ग्रुप के अंदर डिवाइड करोगे, टोटल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट. अब यहाँ पे देखो, आईओ की कैटेगरी एक बन जाएगी, एंड डब्ल्यू की कैटेगरी एक हो जाएगी, और ओ की कैटेगरी एक हो जाएगी. ओके, और यहाँ पे आपने इनकी क्वांटिटीज का क्या करवा दिया है, सम करवा दिया है, तो 15 और 10 का सम हो जाएगा, 5 3 का सम हो जाएगा, एंड 10 और 4 का सम हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज प्राइस, आपको कैटेगरी डिस्प्ले करानी है और उसका एवरेज प्राइस डिस्प्ले कराना है. अगेन आपको एवरेज प्राइस डिस्प्ले कराना है, तो आपको कैटेगरी की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, राइट, तभी उसका एवरेज प्राइस आप डिस्प्ले करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी दो दो बार दे रखी है. ओके, तो आपको ग्रुपिंग करानी पड़ेगी, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कैटेगरी, एवरेज प्राइस. ओके, एवरेज फंक्शन के अंदर आपने प्राइस कॉलम को पास कर दिया है, फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक क्या है, टेबल का नेम, ग्रुप बाय कैटेगरी. ओके, तो देखो ग्रुप बाय कैटेगरी में क्या होगा, कैटेगरी की ग्रुपिंग हो जाएगी, आईओ एक ग्रुप में आ जाएगा, एनडब्ल्यू एक ग्रुप में, एनओ एक ग्रुप में आ जाएगा. उसके बाद जो इसका प्राइस है, राइट, इसके प्राइस का क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज, यहाँ पे 450 प्लस 350 का एवरेज आ जाएगा. ऐसे ही इसके प्राइस का टोटल प्राइस करके उसका एवरेज आ जाएगा, टोटल प्राइस करके इसका एवरेज आ जाएगा. अंडरस्टूड. नाउ टू डिस्प्ले कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज हाइएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो सबसे पहले कैटेगरी को डिस्प्ले कराना है, सिलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी कर दिया, एंड कैटेगरी वाइज अगेन आपको क्या करना है, कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग करनी है. ओके, और हाइएस्ट प्राइस निकालना है, तो आपने मैक्स फंक्शन के अंदर प्राइस को पास कर दिया, फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक टेबल का नेम है, ग्रुप बाय कैटेगरी. ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपको हाइएस्ट प्राइस निकालना था. फाइन. Now next question, सत्यम, a database analyst has created the following table. यहाँ पे आपके पास टेबल है जो सत्यम ने क्रिएट की है, राइट, हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द गिवन क्वेरीज, आपको आउटपुट निकालना है क्वेरीज के अकॉर्डिंग. सिलेक्ट सम ऑफ मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स का सम किया गया है, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल का नेम है, वेयर ऑप्शनल इज इक्वल टू आई पी है आपका ऑप्शनल, एंड स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स. तो आपके दो कंडीशन दी है, एक तो आई पी ऑप्शनल है और स्ट्रीम कॉमर्स है, तो हम यहाँ पे देखेंगे आई पी ऑप्शनल एंड स्ट्रीम कॉमर्स. ओके, और क्या करना है, सम ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे 95 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका 98. तो देखो एग्जाम में आपको ये खुद करना है, तो आप क्या करोगे, 95 प्लस 98 तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 193. ओके, नाउ सिलेक्ट मैक्स मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स प्लस मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, वेयर ऑप्शनल इक्वल टू सीएस. तो यहाँ पे ऑप्शनल आपका सीएस दिया हुआ है, तो सीएस में देखते हैं मैक्स मार्क्स कहाँ पर है, तो मैक्स मार्क्स यहाँ पर हमारा है 99 सीएस का, और मिनिमम मार्क्स सीएस का क्या है, 95. ओके, तो इन दोनों का आपने क्या किया है, सम, तो इसका सम निकल के आ जाएगा 194. ओके, नाउ सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर ऑप्शनल इक्वल टू आईपी. अब देखो आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं, जहाँ पे ऑप्शनल क्या है, आईपी है. ठीक है, तो आईपी यहाँ पे हमारे पास फोर कॉलम्स में है, तो इन फोर कॉलम्स के मार्क्स का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे. एवरेज कैसे निकलेगी, इन चारों मार्क्स का सम करेंगे, 95 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 82 डिवाइडेड बाय 4, राइट, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा. तो आपका एवरेज निकल के आ गया है 93.75, दिस इज योर एवरेज मार्क्स. ओके, नाउ सिलेक्ट लेंथ, लेंथ से क्या होते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, लेंथ, एस नेम, यहाँ पे एस नेम कॉलम को लिया गया है, फ्रॉम स्टूडेंट,
वेयर मार्क्स इज नल, जहाँ पे मार्क्स क्या है नल, तो देखो यहाँ पे मार्क्स नल है, तो यहाँ पे ये इस नेम की बात कर रहा है कि इस नेम की लेंथ बतानी है, तो ये हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सिक्स करेक्टर्स. ओके नाउ नाउ कंसिडर द टेबल फैंस एंड आंसर द फॉलोइंग, आपको फैन टेबल के अकॉर्डिंग क्वेरीज के आंसर देने हैं. राइट राइट माई एस्कूल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ फैन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डी ओ बी. आपको फैन की डिटेल्स देनी है. ओके और कैसे देनी है, अकॉर्डिंग टू द डी ओ बी कॉलम. राइट एंड डी ओ बी कॉलम शुड बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डी ओ बी कॉलम को अरेंज करोगे. राइट और जैसे उसको अरेंज करोगे वैसे ही टेबल अरेंज हो जाएगी पूरी. फाइन तो ऐसे ही आपको कंप्लीट टेबल डिस्प्ले करानी है. तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, अरेंज करने के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं. आपने सिंपल यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैंस, फैंस टेबल का नेम है, ऑर्डर बाय फैन अंडरस्कोर डी ओ बी. ओके और डिसेंडिंग ऑर्डर में करानी है तो यहाँ पे आप कीवर्ड दोगे डी ई एस ई. राइट नाउ टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ फैंस हु डज नॉट बिलोंग टू अजमेर, आपको उन फैंस के डिटेल देने हैं जो अजमेर से बिलोंग नहीं करते. राइट तो यहाँ पे अजमेर वाला जो आपका रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैंस, सिलेक्ट स्टार हमने कर दिया तो कंप्लीट टेबल आ जाएगी. लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वेयर फैन अंडरस्कोर सिटी, वेयर फैन अंडरस्कोर सिटी कॉलम का नेम है, नॉट इन अजमेर. ओके जहाँ फैन अंडरस्कोर सिटी नॉट इन अजमेर का मतलब जहाँ पे फैन अंडरस्कोर सिटी के अंदर अजमेर वैल्यू नहीं है वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएं. तो यहाँ पे आपका मुंबई दिल्ली एंड कोलकाता का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा. ओके नाउ टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैन ऑफ ईच फैन मोड, आपको टोटल नंबर ऑफ फैन काउंट करने हैं ऑफ ईच फैन मोड. तो अकॉर्डिंग टू द फैन मोड आपको पहले ग्रुपिंग करनी है. राइट ओके और फिर वो काउंट होंगे. जैसे यहाँ पे मेल मेल दो है, देन लेटर आपका वन है, ब्लॉग आपका टू है. तो आप यहाँ पे दोगे सिलेक्ट फैन मोड. राइट काउंट स्टार से नंबर ऑफ रोज काउंट हो जाएंगी फ्रॉम फैंस. राइट ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, फैन मोड के अकॉर्डिंग करनी है, ग्रुप बाय फैन अंडरस्कोर मोड. ओके नाउ टू डिस्प्ले द डी ओ बी ऑफ द यंगेस्ट फैन, आपको यंगेस्ट फैन की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है. तो यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन, मैक्स फंक्शन का यूज करोगे. राइट जो मैक्सिमम डेट होगी वो यंगेस्ट होगा और जो मिनिमम डेट होगी वो ओल्डेस्ट होगा. राइट तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट मैक्स और मैक्स फंक्शन में आपने पास कर दिया फैन अंडरस्कोर डी ओ बी. ओके फ्रॉम फैंस टेबल. ओके अब हम क्या करेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे. राइट तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 6 है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 4. आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है. राइट जहाँ पे 15 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो. ओके और क्या निकलना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए. राइट आपको पता है रिमाइंडर कौन से फंक्शन से आता है, मोड फंक्शन से आता है. सिंपल आपको लिखना है सिलेक्ट मोड. ओके उसमें आप पास कर दोगे 15, 4 जहाँ पे 15 किससे डिवाइड होगा, 4 से. और आप जो भी आपका आउटपुट आएगा राइट उसकी हेडिंग भी दे सकते हो एज रिमाइंडर. तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगी, हेडिंग आ जाएगी और नीचे आपका आउटपुट आ जाएगा, मीन्स रिमाइंडर आ जाएगा. ओके नाउ राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्राइव द करेंट ईयर, आपको करेंट ईयर निकालना है. तो उसके पहले हमें क्या करना है, करेंट डेट एंड टाइम निकालना है या करेंट डेट निकालनी है. तो हम नाउ फंक्शन का यूज करेंगे. नाउ फंक्शन से आपकी करेंट डेट निकल जाएगी और उस डेट में से आपको ईयर निकालना है. तो आपने उसको एनक्लोज कर दिया ईयर फंक्शन में. ओके सिलेक्ट ईयर, ईयर फंक्शन के अंदर नाउ फंक्शन है एज करेंट ईयर. करेंट ईयर आपने क्या दे दिए, हेडिंग दे दिए. Now, write a SQL query to extract the first 3 character from the string hello world. आपको hello world string से first 3 character निकालने हैं. तो simple हम यहाँ पे क्या use करेंगे, select left function. let function से left side के characters extract होते हैं, जितने भी characters आप उसके अंदर mention करोगे. तो यहाँ पे हमने string दे दी अपनी और नंबर ऑफ करेक्टर्स यहाँ पे बता दिए 3. ओके एज एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग क्या है, आपके आउटपुट की हेडिंग है. ओके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इतना भी दोगे तो भी वो करेक्ट है. इतना भी आपने कमांड दे दिया ना, दिस इज करेक्ट. फाइन एज अगर नहीं भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है.
No. Write a SQL query to convert the text in the description column of the product table to uppercase. आपको description column के अंदर जो values दी हैं, ठीक है, description column कौन सी table के अंदर है, product table के अंदर है, okay, और आपको description column की values को uppercase में convert करना है, तो आप क्या करोगे, upper function का use करोगे, select upper, अपर के अंदर आपने कॉलम का नेम दे दिया एज अपर डिस्क्रिप्शन, उसकी हेडिंग भी दे दी है फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल. आप सिंपल ये भी कर सकते थे, सिलेक्ट अपर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट. ओके, नाउ आप इसको भी यहां से हटा सकते हो अगर आप नहीं चाहते हो. इतनी क्वेरी भी दे दोगे, सिलेक्ट अपर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टेबल का जो डिस्क्रिप्शन कॉलम है उसकी वैल्यूज अपर केस में आ जाएंगी. फाइन. Now, write a SQL query to display the position of underscore in the value of account underscore number column of the table bank. आपको underscore की position बतानी है, तो यहाँ पे position एक sub string की position बताने के लिए आप in string function का use करोगे. Select in string instr, okay, in string function, इसके अंदर पहले आपने अपनी स्ट्रिंग को पास किया है, फाइन दिस इज योर मेन स्ट्रिंग, और आपने यहाँ पे सब स्ट्रिंग पास किया कि इस स्ट्रिंग में से आपको सब स्ट्रिंग की पोजीशन, इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग की पोजीशन बतानी है. ठीक है, तो इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, सब स्ट्रिंग की फर्स्ट अक्रेंस जो होगी, फर्स्ट पोजीशन जो होगी उसको डिस्प्ले कर देगा. राइट, ओके, फ्रॉम बैंक, बैंक टेबल के अंदर से. Now next question, observe the given table carefully and attempt the following questions. तो यहाँ पे हमारे पास दो table हैं, एक bank table है, एक customer table है. Right? Identify the column based on which both the tables can be related or joined. अब यहाँ पे बताओ कौन से column के basis पे आप दोनों को join कर सकते हैं. एक ऐसा column जो एक table के अंदर primary हो, key हो, और दूसरे table के अंदर foreign key हो, तो हमारे पास है account number यहाँ पे, जो बैंक टेबल के अंदर प्राइमरी की है और कस्टमर टेबल के अंदर वो फॉरेन की है. फाइन, तो आपने अकाउंट नंबर दे दिया, एज इट इज प्रेजेंट इन बोथ द टेबल हैविंग रिलेटेड वैल्यूज, और दोनों की वैल्यूज भी सेम है. राइट, अब देखो सेकंड क्या है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स. तो कस्टमर्स आपने यहाँ से लिया, कस्टमर टेबल से, विद देयर अमाउंट, और अमाउंट लिया आपने बैंक टेबल से, ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर. राइट, और आपने अमाउंट किस फॉर्म में लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया है. फाइन, तो आपको एक टेबल में से कस्टमर नेम डिस्प्ले कराना है, दूसरे टेबल में से आपको अमाउंट डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन का यूज करोगे. तो आपने क्या किया, सिलेक्ट सी डॉट कस्टमर, ओके, सी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, तो ये जो हमने कॉलम का नेम लिखा है यहाँ पे, कस्टमर अंडरस्कोर नेम. राइट, सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने टेबल, जो कस्टमर टेबल है उसको शॉर्ट फॉर्म में सी ले लिया, उसका एलियस नेम मैंने सी ले लिया है, सी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, मतलब कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम कॉलम आ जाए, ओके, कोमा, बी डॉट अमाउंट, ठीक है, बैंक टेबल का नेम मैंने ले लिया है एलियस बी, बी क्या है, बैंक का एलियास नेम, बी डॉट अमाउंट, और बैंक टेबल का अमाउंट कॉलम आ जाए, फ्रॉम कस्टमर सी, कस्टमर सी मतलब ये बता रहे हैं कस्टमर टेबल का नेम हमने सी ले लिया है. राइट, एंड बैंक का हमने ले लिया बी. इतना समझ में आया कि हमने कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम ले लिया है, बैंक टेबल से हमने अमाउंट कॉलम ले लिया है, ओके, फ्रॉम कस्टमर सी बैंक बी. अब कंडीशन भी हमें देनी है, वेयर, कंडीशन क्या है, अब कैसे रिलेटेड हैं दोनों टेबल एक दूसरे से, वेयर सी डॉट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू बी डॉट अकाउंट नंबर, ओके, आपको रिलेशन बताना है कि दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. कस्टमर टेबल का अकाउंट नंबर बैंक टेबल के अकाउंट नंबर के इक्वल है, ओके. अब आपको कंडीशन एक और लगानी है कि आपको यहाँ पे अमाउंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो आपने यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज लगा दिया, ऑर्डर बाय बी डॉट अमाउंट, ठीक है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, ऑर्डर बाय बी डॉट अमाउंट. बी डॉट अमाउंट क्यों लिया, क्योंकि ये बैंक टेबल का कॉलम है. ऑर्डर बाय बी डॉट अमाउंट ASC स्टैंड्स फॉर द असेंडिंग. अंडरस्टूड, यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग की है इसलिए आपको इस तरीके से क्वेरी को लिखना है. नाउ राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस.
आपको बताना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो जो जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके अंदर. फाइन, तो आपने क्या किया, सिलेक्ट सम अमाउंट, सम निकाला अमाउंट का एज टोटल अमाउंट, उसको जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो सम निकल के आएगा ना, उसकी आपने हेडिंग दे दी टोटल अमाउंट फ्रॉम बैंक. सिंपल, क्योंकि आपको सम निकालना था, टोटल अमाउंट निकालना था, तो आपने सिंपली सम फंक्शन के अंदर अमाउंट कॉलम को पास कर दिया है. ओके, और टेबल का नेम दे दिया. यहाँ पे दोनों टेबल की कॉलम्स नहीं चाहिए, तो हमने सिंपल बैंक टेबल का नेम दे दिया है. सिलेक्ट सम और सम फंक्शन के अंदर आपने अमाउंट को पास कर दिया एज टोटल अमाउंट फ्रॉम बैंक. ओके, नाउ राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट द टोटल रिकॉर्ड्स इन कस्टमर टेबल. आपको कस्टमर टेबल के टोटल रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो सिंपल आप दे दोगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर. यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स निकल के आ जाएंगे कस्टमर टेबल के. काउंट स्टार फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपका डिस्प्ले करा देगा. ओके, फ्रॉम द गिवन टेबल. नाउ राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मिनिमम अमाउंट इन अ बैंक. आपको मिनिमम अमाउंट निकालनी है, तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट मिन. मिन फंक्शन के अंदर आप अमाउंट कॉलम को पास कर दोगे फ्रॉम बैंक. बैंक क्या है, आपका टेबल का नेम. ओके, नाउ टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट फॉर 3 रेज टू द पावर ऑफ 4. राइट, तो आपको क्या करना है, 3 को आपको 4 की पावर पर रेज करना है, तो इसके लिए आप पावर फंक्शन का यूज करोगे, सिलेक्ट पावर 3 रेज टू द पावर ऑफ 4. ओके, नाउ टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम. करेंट डेट एंड टाइम के लिए आप नाउ फंक्शन का यूज करते हो, सिलेक्ट नाउ फंक्शन. टू राउंड ऑफ द वैल्यू दिस, ये आपके पास वैल्यू है, टू डेसिमल प्लेसेस, तो सिंपल आप राउंड फंक्शन का यूज करोगे, सिलेक्ट राउंड. ओके, आपने वैल्यू दे दी और नंबर ऑफ प्लेसेस यहाँ पे दे दिए 2, 2. ओके, नाउ टू रिमूव ऑल द प्रोबेबल लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम यूजर आईडी ऑफ द टेबल नेम यूजर. आपको यूजर टेबल के यूजर आईडी कॉलम से सारे ट्रेलिंग, लीडिंग एंड ट्रेलिंग, मतलब जो उसके आगे हैं, राइट, जो भी जो उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनके आगे और उनके पीछे जो भी स्पेसेस दिए गए हैं उनको रिमूव करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे ट्रिम फंक्शन को. ओके, इससे क्या होगा, आपका लीडिंग और ट्रेलिंग, मतलब उस लेफ्ट साइड के और राइट साइड के दोनों तरफ के स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे. सिलेक्ट ट्रिम, और ट्रिम में आपने यूजर आईडी कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम यूजर. यूजर आपका टेबल का नेम है. ओके, नाउ टू डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आपको लेंथ बतानी है फीफा वर्ल्ड कप स्ट्रिंग की. सिंपल, आप यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज करोगे, सिलेक्ट लेंथ, और लेंथ फंक्शन में आपने स्ट्रिंग को पास कर दिया है. ओके, नो नेक्स्ट. कबीर हैज क्रिएटेड फॉलोइंग टेबल नेम्ड एग्जाम. कबीर ने एक टेबल को क्रिएट किया है, इसका नेम है एग्जाम. यहाँ पे हेल्प हिम इन राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज टू द टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. ओके, आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है. सबसे पहले क्वेरी क्या है, इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल हैविंग फॉलोइंग वैल्यूज. आपको एक न्यू रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यूज है 6, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है 6, नेम खुशी है, सब्जेक्ट CS है और मार्क्स 85 है. तो सिंपल आपको करना है इंसर्ट इन टू एग्जाम. ओके, इंसर्ट इन टू एग्जाम, एग्जाम टेबल का नेम है, वैल्यूज, और वैल्यूज आपने यहाँ पे दे दी है. राइट, ओके, नाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ, टू चेंज द वैल्यू IP. यहाँ पे IP दिया हुआ है. टू इंफॉर्मेटिव्स प्रैक्टिसेस इन सब्जेक्ट कॉलम. आपको सब्जेक्ट कॉलम में जो इंफॉर्मेटिव्स प्रैक्टिसेस दिया है उसको IP में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप अपडेट कमांड का यूज करोगे. राइट, अपडेट एग्जाम, एग्जाम आपका टेबल का नेम है. सेट सब्जेक्ट इक्वल टू इंफॉर्मेटिव्स प्रैक्टिसेस. ओके, सब्जेक्ट आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पे इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू IP. जहाँ पे सब्जेक्ट IP दिया है वो कन्वर्ट हो जाए किस में, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट हो जाए. राइट, ओके, टू रिमूव द रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 30. आपको उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रिमूव करने हैं जिनके मार्क्स क्या हैं, लेस देन 30, मतलब ये कमांड लिखनी है. तो डिलीट फ्रॉम एग्जाम, राइट, डिलीट फ्रॉम एग्जाम, एग्जाम टेबल का नाम है, और कंडीशन देंगे वेयर मार्क्स स्मॉलर देन 30. राइट, नाउ अब क्या है नेक्स्ट कमांड, टू ऐड अ न्यू कॉलम. आपको एक न्यू कॉलम टेबल में ऐड करना है ग्रेड नेम से.
राइट और डेटा टाइप आप खुद से दे दोगे। तो यहाँ पे टेबल बन चुकी है, हमें न्यू कॉलम ऐड करना है, तो हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल एग्जाम, ठीक है, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम दे दिया आपने ग्रेड, और यहाँ पे आपने उसका डेटा टाइप दे दिया वेरकेट टू। ओके, देखो ये जितनी भी कमांड्स हैं, ऑल्टर कमांड है, अपडेट कमांड्स हैं, ये सारे आप 11th क्लास में भी कर चुके हैं, और मेरे चैनल पे इसकी बहुत अच्छी वीडियोस दी हुई है मैंने, आप वहाँ से इसको अच्छे से सीख सकते हैं। फाइन, अब यहाँ पे देखो, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट, आपको इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट्स की रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू आईपी, यहाँ पे देखो आईपी दिया हुआ है, वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू आईपी। ओके, आपका जहाँ जहाँ सब्जेक्ट आईपी है वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले सेवन करेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेवंथ लेफ्ट करेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इंडिया शाइनिंग, आपको क्या करना है, सेवन करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं इंडिया शाइनिंग स्ट्रिंग में से। ओके, और क्या बोल रहा है ये, सेवन करेक्टर के बाद, मतलब सेवन करेक्टर्स के बाद सेवन करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो। ओके, तो स्टार्टिंग पोजिशन क्या हो, सेवन्थ करेक्टर हो, और उसके बाद सेवन करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो, तो सिंपल आप क्या करोगे, सिलेक्ट मिड। ओके, यहाँ पे आपने सब अपनी स्ट्रिंग दे दी, यहाँ पे जो सेवन है वो क्या होगा, स्टार्टिंग की वैल्यू बता रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सेवन से स्टार्ट करना है, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या बता रहा है, हाउ मेनी करेक्टर्स यू हैव टू एक्सट्रैक्ट, सेवन करेक्टर्स, राइट। ओके, नाउ आप सब स्ट्रिंग सिलेक्ट सब स्ट्रिंग फंक्शन भी दे सकते हो यहाँ पर। नाउ डिस्प्ले, नाउ सेकंड क्या है आपका, डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ द अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग कम, आपको कम जो है यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई है, सब स्ट्रिंग दी हुई है, उसकी पोजीशन बतानी है। ओके, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो पोजीशन बताने के लिए आप इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करोगे। इसके अंदर आपने क्या किया, आपने मेन स्ट्रिंग को पास किया और सब स्ट्रिंग को पास किया। अब यहाँ पे इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, इस सब स्ट्रिंग की पोजीशन निकाल के आपको बता देगा कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है, राइट। नाउ राउंड ऑफ द वैल्यू दिस टू वन डेसिमल प्लेस, तो सिंपल आप क्या करोगे, सिलेक्ट राउंड, राउंड फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू को पास किया, कोमा, यहाँ पे आपने डेसिमल प्लेस बता दी कि कितने डेसिमल प्लेस चाहिए, यहाँ पे वन था तो हमने यहाँ पे वन पास कर दिया। ओके, नाउ डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 9, आपको रिमाइंडर निकालना है, हम तो हम यहाँ पे मोड फंक्शन का यूज करेंगे, सिलेक्ट मोड। ओके, 100 कॉमा 9, तो 100 विल बी डिवाइडेड बाय द 9। ओके, और इस कमांड से आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, राइट। नाउ रिमूव ऑल द एक्सपेक्टेड लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ कॉलम यूजर आईडी, आपको लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस मतलब लेफ्ट साइड के और राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करना है, तो हम ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, कौन सा कॉलम है हमारा, यूजर आईडी, यूजर आईडी को हमने ट्रिम फंक्शन में पास कर दिया, सिलेक्ट ट्रिम यूजर आईडी फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स आपका क्या है, टेबल का नेम है। ओके, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स, तो आपको ये फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं, यू केस फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, मिड फंक्शन, डे नेम एंड पावर, राइट। तो एक बार सिंपल इसको देख लेते हैं, यू केस क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग टू अपर केस, अगर आप यू केस के अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास करोगे फंक्शन के अंदर तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है अपर केस में, फाइन। तो यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप एग्जाम्पल भी जरूर देखे दिखाओ, उससे क्या होते हैं आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, इट रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में से लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को मतलब उसके स्ट्रिंग के आगे के और पीछे के दोनों स्पेस को रिमूव कर देगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया है स्पेस को रिमूव करने के बाद। ओके, नाउ वी हैव द मिड फंक्शन, इट एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, मिड फंक्शन क्या करता है, गिवन स्ट्रिंग में से जो स्पेसिफाइड करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कराता है, जो भी स्ट्रिंग आप इसके अंदर पास करोगे और नंबर ऑफ करेक्टर्स आप बताओगे पोजिशन के साथ, तो उतने नंबर ऑफ करेक्टर्स ये एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करा देगा। अब यहाँ पे 4 है तो फोर्थ पोजिशन से 4 करेक्टर्स इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, फोर्थ देखो 1 2 3, तो फोर्थ यहाँ पे पोजिशन है सी। ओके, और 4 एक्सट्रैक्ट करने हैं, COME, तो आपका रिजल्ट आ गया COME कम, फाइन। नाउ डे नेम,
इट रिटर्न्स द वीकडे नेम फॉर अ गिवन डेट. डे नेम के अंदर फंक्शन के अंदर जब आप कोई भी डेट पास करोगे तो क्या होगा, वो डेट जो भी होगी उसमें से डे नेम निकाल के आपको दे देगा. तो यहाँ पे देखो जो भी पर्टिकुलर डेट है, ईयर मंथ एंड आपका डे है, तो डे में से इसने क्या किया है, डे नेम निकाल के दे दिया कि इस डेट का जो डे है वो फ्राइडे है. राइट. नाउ पावर फंक्शन, पावर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर नंबर. तो यहाँ पे क्या होगा, 6 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा, 6 रेज टू द पावर आपका रिजल्ट आ गया 6 × 6 = 36. ओके. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ टेबल सेल्समैन विद द फॉलोइंग डेटा. आपके पास यहाँ पे सेल्समैन टेबल है. ओके. अब हमें क्वेरीज के आंसर देने हैं. राइट एसक्यूएल क्वेरीज. अच्छा, एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है यूजिंग एसक्यूएल फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. फाइन. तो फर्स्ट वन क्या है, डिस्प्ले सेल्समैन नेम, सेल्समैन नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू जीरो. बोनस का राउंड ऑफ क्या करना है, जीरो राउंड ऑफ करना है आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू जीरो डेसिमल प्लेसेस. राइट, जीरो डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है. फाइन. तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्प्ले सेल्समैन, तो आपने क्या किया, सिलेक्ट एस नेम और राउंड ऑफ करना है. राउंड के अंदर, राउंड फंक्शन के अंदर आपने बोनस को दे दिया है और जीरो प्लेस, जीरो डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो बोनस कोमा जीरो फ्रॉम सेल्समैन. ओके. नाउ डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ अक्रेंस ऑफ द स्ट्रिंग टी ए, अक्रेंस ऑफ द स्ट्रिंग टी ए इन द सेल्समैन नेम. आपको पोजीशन बतानी है सेल्समैन के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके अंदर टी ए स्ट्रिंग की पोजीशन कहाँ पर आती है. राइट. तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करोगे, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन यूज करोगे, एस नेम आपने कॉलम का नेम पास कर दिया और सेकेंड आपने टी ए कर दिया. तो जहाँ जहाँ पे टी ए, जो सबसे पहले टी ए आएगा जहाँ पर भी, वो क्या होगा, इंस्टिंक्ट फंक्शन उसकी पोजीशन बता देगा. ओके. फ्रॉम सेल्समैन, तो आप कमांड ऐसे लिखोगे. फाइन. नाउ डिस्प्ले द फोर करेक्टर्स फ्रॉम सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड करेक्टर. आपको क्या बताना है, फोर करेक्टर्स निकालने हैं, सेकंड करेक्टर से स्टार्ट करना है. तो आप मिड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, सबस्ट्रिंग फंक्शन का भी यूज कर सकते हो. सिलेक्ट सबस्ट्रिंग एस नेम, एस नेम कॉलम में से जो पोजीशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो, टू से हो. जैसे अब यहाँ पे हमारा 1 2, तो सेकंड करेक्टर से स्टार्ट होगा 1 2, और कितने निकालने हैं, 4 निकालने. जैसे मैं फर्स्ट का एग्जाम्पल देती हूँ, EENA, तो 4 आ जाएगा. ठीक है, फ्रॉम सेल्समैन. लेकिन आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं बताना, कमांड देनी है. तो आप सिंपल कमांड लिख दोगे, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग एस नेम, टू, टू से स्टार्ट हो एंड फोर करेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम सेल्समैन टेबल. ओके. नाउ डिस्प्ले द मंथ नेम फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्समैन. आप इसको अब इसमें से क्या निकालना है, आपको मंथ नेम निकालने हैं. तो आप सिंपल क्या करोगे, सिलेक्ट मंथ नेम. ओके. मंथ नेम के अंदर आपने क्या दे दिया, डेट ऑफ ज्वाइंट, डेट ऑफ ज्वाइन आपने कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम सेल्समैन टेबल. ओके. नाउ डिस्प्ले द नेम ऑफ द वीकडे, वीकडे नेम आपको निकालना है फॉर द डेट ऑफ ज्वाइन सेल्समैन. फाइन. पहले आपने मंथ नेम निकालना था, तो आपने मंथ नेम फंक्शन के अंदर डेट ऑफ ज्वाइन को पास कर दिया कॉलम को. अब आपको वीकडे, डे नेम निकालना है, तो आपने सिंपली सिलेक्ट डे नेम और डे नेम के अंदर आपने डेट ऑफ ज्वाइन कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम सेल्समैन. अंडरस्टूड. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.